तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप दीक्षा पे किस तरह अपना प्रोजेक्ट अपलोड करते कर सकते हैं। जब आप दीक्षा ऐप को इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको अपडेट करनी है क्योंकि उसमें कोई नया वर्जन तो नहीं आया। नया वर्जन जब आप उसके बाद ओपन करोगे तो आपको लॉगिन करना है, आपकी डिटेल्स सबमिट करने हैं वहाँ पर। तो जब आप वहाँ पर प्रोजेक्ट अपलोड करोगे तो प्रोजेक्ट का पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला जो आपको दिख रहा है प्रोजेक्ट टाइटल, और अपने प्रोजेक्ट का आपका नाम रखना है कि आप किस पर वीडियो बना रहे हो, और यानी कि आपका चैप्टर किस पे। अगर फॉर एग्जांपल आप फिफ्थ तक पढ़ाते हो, मतलब प्राइमरी स्कूल है आपका, तो आप वहाँ पे कुछ चैप्टर दीजिए। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं ना ऑनर लिविंग थिंग, तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन आप दे दीजिए। ये जो टाइटल की बात मैंने की, तो जब आप दीक्षा ऐप पे आओगे पहले टाइटल को आपने वहाँ पे रखना है, क्योंकि मैं आपको फुल वीडियो दिखाता है यहाँ पर, बिकॉज नॉट आई एम नॉट एबल टू डू दैट वे वर्क, क्योंकि एज यू नो कि मैं आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, तो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ कि आप कैसे दीक्षा ऐप को आप वहाँ पे प्रोजेक्ट अपलोड करते हो। देखो, जब आप दीक्षा ऐप पे आओगे आपको पहले वहाँ पर क्या करना है, आपको टाइटल लिख देना है। टाइटल का मतलब क्या है, जब आप टाइटल लिखोगे कि आप किस पे, आप किस बेसिस पे वीडियो बना रहे हो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखना है, और उसके बाद क्या करना है, आप एडिटिंग टास्क करने हैं। टास्क को यहाँ पे एक स्टेप मेरा हो गया क्योंकि मैंने टाइटल वाइटल वगैरह डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, पहला जो मैंने व्यू द लर्न उसको मैंने किया। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे नॉट स्टार्टेड रखना है पहले, जब तक ना आप लिखोगे कुछ तब तक आपको नॉट स्टार्टेड रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कुछ लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे स्टेटस जो है वो नॉट स्टार्टेड है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, आपने वो कुछ लिखना है जो आपने क्लास में किया है, तो मैं यहाँ पे वो सब कुछ लिख देता हूँ पहले कि जो हमने क्लास में किया है वो सब कुछ आपको लिखना है। लेकिन आपको ये भी जहन में रहे, वो कुछ आपने नहीं लिखना है इसमें जो अभी आपने नहीं किया, जो इन प्रोग्रेस में होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है आपको मैं बताऊँगा, तो ऐड फाइल्स यहाँ पे, इसको पहले हमने वो लिख दिया। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैंने बच्चों को इकट्ठा किया और उनको समझाया बोर्ड पे, ये कंप्लीटेड वर्क है, यहाँ पे मैंने कंप्लीट रख दिया। और अब इनकी प्रिवेसी पॉलिसी जो है दीक्षा की, उसको भी मैंने कन्फर्म कर दिया। और जब मेरे दो स्टेप्स कंप्लीट हो गए, अब यहाँ पे ऐड रिमार्क्स है। रिमार्क्स के साथ मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली जो मैंने वीडियो या फोटो उठाया था गैलरी में से उसको अटैच फाइल करना है। जब मैंने एक फाइल को अटैच किया, आप लगा सकते हो दो फाइल्स भी आप ऐड कर सकते हो वहाँ पर। तो मैंने जब ये दो चीज़ें की, आप देख सकते हो यहाँ पे भी ग्रीन टिक लग चुकी है, और ऊपर मेंडो ये जो है वहाँ पे भी टिक लग चुकी है। तो अब एडिंग मोर टास्क, अब अगर आपने ये बहुत करना है कि मैंने क्या क्या इसके एक्स्ट्रा भी मैंने किया, तो वो भी आप इस पर लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ रखिए कि अगर आप टास्क लिखते हो ना डिस्क्रिप्शन, मतलब कि मैं स्टूडेंट्स को ऐसे समझाया कि फाउंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैविंग डिजिटल डिवाइसेस एट होम, मैंने ये मतलब सर्विस की, मतलब एक सर्विस की, तो एंड डेट मतलब जो भी है, एंड डेट मतलब कि आपने किस दिन ये ख़त्म किया था। अब मैंने ये तीन स्टेप्स भी कर लिए, आपके मतलब डिपेंड ऊपर करता है कि आप कितने स्टेप्स इसको करोगे। अब उसके बाद स्कैन होगा, हाँ ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्कैन मतलब जो ही आप यहाँ पर तीन प्रोग्रेस मतलब आपने कंप्लीट करोगे ना, मतलब और उसके बाद जब आप सबमिट आप प्रोजेक्ट को करोगे, लेकिन उसके बाद ये स्कैन होगा। जो ये दीक्षा ऐप है, जो ये सिस्टम है इनका, ये आपके प्रोजेक्ट को स्कैन करता है। और आप यहाँ पे मैं करता हूँ सबमिट, और सबमिट करने के बाद मुझे यहाँ पे एक मैसेज आएगी, कंग्रेचुलेशन आपका प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट हो गया है। तो देखिए ये आपको ध्यान रहे कि पहले आपको गैलरी में, पहले आपको प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के पहले ही आपको या फोटो या तो वीडियो आपको अपलोड करना है। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो शायद आप वीडियो ही फोटो ही करो। तो आप जब मैंने प्रोजेक्ट को अपलोड किया, यहाँ पे दिख रहा है कंग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट। तो अब बस इतना ही था ये प्रोजेक्ट, तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।